नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आपका स्वागत है निगम की नज्म में। आज हम नौगांव नगर पालिका की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ नौगांव नगर पालिका में, क्या वादे और क्या दावे हुए, क्या है अभी मूलभूत समस्याएं बरकरार। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। इस वक्त हम खड़े हैं नौगांव के मेन मार्केट में, जहां पर कुछ व्यापारी बंधु हमारे साथ मौजूद है, उनसे करते हैं बात। कितना 5 साल के विकास कार्य हुए यहां पर? सर आपका नाम? जगदीश नारायण सक्सेना। 5 सालों में नगर पालिका के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनसे क्या संतुष्ट हैं, नहीं है, तो क्या होना चाहिए था जो 5 सालों में नहीं कर पाई यहाँ की नगर पालिका? विकास तो कम हुए, संतोषजनक कह सकते हैं, और काफी काम करने की आवश्यकता है, सफाई में, पानी में, रोड में। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद से जानते हैं, क्या 5 साल में जो विकास कार्य किए गए हैं उनसे क्या आप संतुष्ट हैं, नहीं है, और क्या होना चाहिए था नगर में जो नहीं हो पाया है? बढ़िया हुआ, सब बढ़िया हुआ, और क्या है, संतुष्ट है कार्यकाल से? बढ़िया। कुछ और भी लोग मौजूद से जानते हैं, 5 साल में जो नगर पालिका ने जो कार्य किए हैं उनसे क्या संतुष्ट हैं, ऐसे क्या विकास कार्य जो होना चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए हैं? देखिए, मैं तो हलपालपुर का हूँ, मैं अभी इधर दुकान खोले हुए हूँ, तो मुझे तो नहीं मालूम कैसा विकास, लेकिन ये है जो भी है सब ठीक है, अपना देख रहे हैं, चल रहा है। लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं देखी आपने उससे संतुष्ट है कि अच्छा कार्यकाल चल रहा है? हाँ ठीक है, फिलहाल अच्छा है, साफ सफाई होती रहती है और चलता रहता, बाजार में झाड़ू वाड़ू सब लगती रहती है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, 5 साल में नगर पालिका का जो विकास कार्य है उससे संतुष्ट है या नहीं है, या कमियां नजर आती तो कहाँ नजर आती है? खास तौर से कमियां हमको नजर आती है अतिक्रमण पर। नौगांव में जिस तरह का अतिक्रमण इन 5 साल में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ है। जगह जगह आप देखिए दुकानें बराबर, दुकान के चीप के बाहर तख्त लगे हुए हैं और तख्त के बाद बेंच और फिर गाड़ियां खड़ी होती हैं। इससे बहुत हमको, जबकि हमें 181 में भी फोन कर चुके हैं इसके, लेकिन हमारा अतिक्रमण नहीं हट रहा है। वैसे नगर पालिका ने कार्य तो बहुत की है, खासतौर से पेयजल की समस्या का समाधान तो हुआ ही है, इसमें नो डाउट। आपके वार्ड की प्रमुख समस्या है क्या सॉल्व हो चुकी है क्या? हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है वैसे किसी तरह की कोई। मैं स्वयं पार्षद रहा हूँ, आपने भी प्रयास किए हैं और वर्तमान में जो पार्षद थे उन्होंने भी काफी प्रयास वार्ड नंबर 12 के लिए किए। तो ये थे यहाँ के नौ की राय, जिन्होंने कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं 5 साल के कार्यकालों से, तो कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुक करते हैं किसी दूसरी जगह का और जानते हैं वहाँ की जनता का रुख। इस वक्त हम खड़े हैं नौगांव के टीवीएस चौराहे पर, इसको तहसील चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ हमारे पब्लिक मौजूद है, जानते हैं कि पिछले 5 सालों में नगर पालिका के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनसे कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता। सर आपका नाम? राजकुमार साहू। कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में नौगांव नगर पालिका में, क्या संतुष्ट है कार्यकाल से? संतुष्ट का है, सफाई वफाई कम होती है। और ऐसी क्या मूलभूत समस्या नौगांव के लिए है जिनको पूरा होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाई है? जिन्हें डाला आप तो खुद देखो सामने, सड़क वगैरह कहाँ बन रही है। कुछ और भी लोग मौजूद जानते हैं, नगर पालिका का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप उस कार्यकाल को लेकर? वैसे तो ठीक रहा, बाकी सफाई सफाई पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया उनके द्वारा, गड्ढे भी हैं यहाँ रहे और काफी एक और है तो वो गड्ढे भी काफी बार फेसबुक पे डाल लें सब कुछ पे, उसके बावजूद भी नहीं भरे गए, तो ये सब चीजें अव्यवस्थित रही। तो क्या पार्षद ने या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अनसुनी करी गई आपकी बातों की, समस्याओं को लेकर? दोनों लोगों की उसमें हुआ है, पार्षदों की भी कमी रही उसमें और अध्यक्ष की तो रही रही होगी। क्या मूलभूत समस्या क्या नजर आती है नौगांव में जो पूरी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई है 5 वर्षों में? सफाई की कमी है, सफाई होना चाहिए, गंदगी जगह जगह दिखाती, कुछ दिन सफाई हो जाती फिर बाद में, फिर एक दिन बाद फिर गंदगी की ध्यान देना चाहिए। और क्या ऐसे विकास की बयार जो होना चाहिए थी नौगांव में लेकिन नहीं हो पाई, ऐसे कुछ मुद्दे कुछ आपके संज्ञान में हो? नहीं, विकास तो चल रहा है और वही सफाई की कमी है, सफाई जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे नौ के विकास को लेकर, नौ में विकास कितना हुआ है 5 सालों में? ठीक चल रहा है वैसे विकास तो, हो रहे और ढीला चलता है। और क्या क्या मतलब होना चाहिए नौ में जो नहीं हो पाया है? विकास की गतियां तो वैसे तेज होना चाहिए लेकिन मध्यम से चल रही, बिल्कुल ढीले ढाल चलती हैं। आपका क्या कहना है नौ नगर पालिका के 5 साल के कार्यकाल को लेकर? ठीक है, कुछ कमियां रह गई हैं जो नहीं हो पाई हैं पूरी?
कमियां कुछ पूरी हुई है, कुछ रह रही है। जब 70 साल में नहीं हो पाया है तो विकास धीरे धीरे होगा। तो बिल्कुल साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उनकी जो प्रमुख समस्या है सफाई को लेकर लोगों में आक्रोश जरूर है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका किस तरह के हथकंडे अपनाती है इनके सवालों को लेकर। इस वक्त खड़े हैं हम नौगांव के सैयद दादा चौराहे पर, हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी बंधु मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और पिछले 5 सालों में नगर पालिका के द्वारा जो कार्य किया गया, जो विकास कार्य किए गए हैं, उन विकास कार्यों से यहाँ की जो जनता है वो कितनी संतुष्ट नजर आ रही है। आपका नाम? मोहम्मद जमाल आलम। 5 साल के विकास कार्य जो नगर पालिका द्वारा किए गए हैं कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, जो 5 साल काम किए हैं नगर पालिका ने उसमें निर्माण कार्य तो ज्यादा हुए हैं। एक बधाई की पात्र है पुछली नगर पालिका अध्यक्ष, जिसको पानी की जो सप्लाई थी, जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था उससे पानी की सप्लाई डेली शुरू हो गई। लेकिन सफाई व्यवस्था आप देखिए, जगह जगह गोबर पड़ा है। ठीक हमारे पीछे अटना भैया, ये देखो पानी भरा है। इस तरीके का कोई काम नहीं किया गया, ना तो नालियां जो अभी भरी है। ये सामने एक नाली का भी काम हो रहा था प्राइवेट, उसमें हमने देखा 1 मीटर का पूरा कचरा भरा हुआ है, जिस पर नगरपालिका सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। नतीजा ये हो रहा है कि हम मध्य प्रदेश की सफाई व्यवस्था में सबसे पीछे पिछड़ रहे हैं। सेकंड, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, आप डिवाइडर देखिए कितने पब्लिक परेशान है, कोई सुनने ही वाला नहीं है डिवाइडर का। हो क्या रहा है, इस डिवाइडर को बनाया कई साल पहले, टेंडर हुए हैं, 5 साल पूरे हो गए हैं और डिवाइडर आज भी अधूरा पड़ा है। कितनी दुर्घटनाएं घटती है, किसी को शासन को या नगर पालिका ने इस पर कोई गंभीरता नहीं ली। अगर गंभीरता ली हुई होती तो जो भी ठेकेदार है, कोई भी हो, जो भी पार्टी रही हो उसमें, उसको नोटिस दो यार, कब होगा ये? दुनिया कहाँ पहुंच रही है और हम 5 साल में एक छोटी सी रोड नहीं बन पा रही, डिवाइडर नहीं बन पा रहे, आगे आप क्या अपेक्षा करेंगे? देखो डिवाइडर का मेन मुद्दा है, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्य कितने किए गए नौगांव में? कोई विकास कार्य तो हुआ नहीं है। ऐसा सबसे ज्यादा गंदगी है नालियों की। नाली कम से कम 20 साल से अभी तक साफ नहीं हुई है। एक एक मीटर कचरा जमा हुआ है नालियों में। टोटल नालियों की सफाई होना चाहिए, जिससे कि पानी का भराव कम हो जाए। जगह बारिश में हर चौराहे पे पानी भर जाता है, जिसमें आवागमन बहुत परेशानी होती। और डिवाइडर जो बना हुआ है, जो भी बना है, जैसे चौराहों पे थोड़ी जगह होना चाहिए जिससे गाड़ियां टर्निंग हो सके। हमेशा एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह एक्सीडेंट की चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि डिवाइडर थोड़ा सा चौराहों पे और चौड़ा जगह बने कि जिसमें टर्निंग हो सके गाड़ियों की। आप जब भी देखो कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। बिल्कुल एक्सीडेंट होते हैं। कुछ और भी युवा मौजूद हैं, क्या युवा होने के नाते क्या समस्या नजर आ रही है आपको यहाँ पे? समस्या तो कोई, लेकिन सर यार में थोड़ी डिवाइडर भी बहुत है और ढसकेस के रखते सफाई गंदगी बिल्ली बहुत ज्यादा गंदी है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, जो युवा हैं, वो यहाँ के जो कार्यकाल से खुश नहीं है। डिवाइडर का एक बड़ा मुद्दा है। पिछले 5 साल बीत गए लेकिन डिवाइडर ज्यों का त्यों है। तो ये थी यहाँ की प्रमुख समस्या है। किसी और वार्ड से के नागरिकों से आपको रूबरू करवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नगांव के गल्ला मंडी एरिया में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो स्वच्छता अभियान की जो पोल खोलती है, यहाँ की आपको सीधी ताजा तस्वीरें आपको कैमरे में दिखाई जा रही है यहाँ पर, कि नगर पालिका जो 5 साल के विकास कार्यों के दावों की बात करती है, उन दावों की यहाँ पर कितनी पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ के कुछ व्यापारी बंधु रहवासी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जान पालिका के जो पिछले 5 साल का विकास कार्य है उससे वो कितना संतुष्ट नजर आते हैं। नगर पालिका का जो 5 साल का विकास कार्य है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं है। आखिर क्यों, कभी कहाँ नजर आती है? गंदगी है, जानवर फर रहे हैं, कोई सफाई नहीं है। क्या समस्या है प्रमुख, आपको क्या नजर आता है? अधिकारी चेक करने नहीं आता है, कंप्लेंट करो तो देखने नहीं आता है, जबकि यहाँ पर बगल में भूतपूर्व चेयरमैन अशोक साहू रहते हैं, उन्होंने दरबारी पे ही गंदगी का ढेर लगा रहता है, सुबह दिन भर घूमते रहते हैं, कंप्लेन करो कोई सुनने नहीं आता है। आपका पार्षद कौन है? पार्षद से आपने समस्याओं को अवगत कराया? पार्षद को कई बार अवगत कराया, लेकिन पार्षद भी मजबूर है, कहता मैं क्या करूं, जो सफाई इंस्पेक्टर है वो सुनता नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अफसर आशाही का यहाँ पर बोलबाला है। क्या समस्या नजर आती है गल्ला मंडी क्षेत्र में? यहाँ की बहुत गंदगी है, यहाँ पर यहाँ की सफाई नहीं होती है और यहाँ मंडी के चक्कर में बहुत लोग परेशान है और वहाँ घर भी है, गेट भी है, यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर समस्याएं व्याप्त है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, क्या समस्या नजर आती है नगांव क्षेत्र में? नगर पालिका जो दावे करती है विकास के, वो कितनी हकीकत है उनमें? कुछ हकीकत नहीं है, सब आदमी जो है इधर पे काम करवाना नहीं चाहता है और जो गंदगी
उन्हें खुद नजर आ रही है कि यहाँ पे कितनी गंदगी है, वो आके खुद आके देख ले यहाँ पे कि कितनी गंदगी रहती है यहाँ पे। क्या नगर पालिका के आला अधिकारी यहाँ पर आते हैं शिकायत करने पर? नहीं नहीं, कभी नहीं आते हैं वो, कभी नहीं आते, नहीं नहीं आते, कोई नहीं आता है, कभी भी शिकायत करो कोई नहीं आता है यहाँ देखने। तो नगर पालिका जो विकास के दावे बोलती है वो कितना सरकार से संतुष्ट है यहाँ पे? नहीं है, पांच साल के बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है संतुष्ट, कोई संतुष्ट नहीं है। देखो तो कतरा जड़ा जांगन कांगन, न लाइटें जलती है, न कोई कतरा ही कतरा है यहाँ बिल्कुल। कुछ और भी लोग मौजूद, उनसे जानते हैं कि जो विकास कार्य हुए उनसे कितना संतुष्ट नजर आते हैं, पिछले पांच साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? हम नहीं है खुश भैया बिल्कुल। तो क्या विकास कार्य होना चाहिए जो नहीं हो पाए हैं? साफ सफाई कितनी खराब है, लाइट बनना चाहिए। लाइट की क्या समस्या, लाइट कब से लाइट आती नहीं है दर पे, ना लाइट ना पानी की सुविधा, ना लैटरिन और साफ करने आती है, ना कोई व्यवस्था उनके लिए, कुछ नहीं है। कुछ हो जाए फिर रात में कुछ होता है तो आप उसको जिम्मेदार नगर पालिका रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख समस्या है गंदगी को लेकर, लाइट को लेकर, पानी को लेकर और सफाई को लेकर, यहाँ के स्थानीय रहवासियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं, और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या पार्षद हैं, वो इनकी सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा पांच साल के विकास कार्य की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। रुख करते हैं किसी और वार्ड का और जानते हैं वहाँ की प्रमुख समस्याएं। हम पहुंचेंगे बदरिया वाले क्षेत्र में, यहाँ पर कुछ व्यापारी बंधु मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नगर पालिका के पांच साल के कार्यकाल से वो कितना खुश नजर आ रहे हैं। सर आपका नाम? महेश अग्रवाल। पांच साल नगर पालिका ने जो कार्य किए हैं उससे कितना संतुष्ट हैं, और ऐसे क्या विकास कार्य हैं जो इन पांच सालों में नहीं हो पाए हैं? भाई सबसे बढ़िया काम तो ये हुआ है कि जो झाड़ू वाड़ू लगने लगी है रात में, तो उससे क्या है कि हमारे मेन मार्केट में तो खैर सफाई व्यवस्था अच्छी रहती है, जो जानवर वानवर भी घूमते थे वो भी नहीं घूमते हैं, आवागमन में भी परेशानी नहीं होती है। और इस मुहिम को और अच्छा बनाने के लिए मैं नगर पालिका से चाहूंगा कि भाई और थोड़ा सा वो ऐसे काम करें ताकि व्यवस्था और अच्छी बनी रहे, सफाई होती रहे, मेन मार्केट में ऐसे ही सब कुछ चलता रहे। ऐसे कुछ कार्य जो नगर पालिका ने वादे किए हों पहले करने के लिए लेकिन पांच साल में पूरा नहीं कर पाई हो, ऐसे क्या मुद्दे नजर आते हैं आपको व्यापारी होने के नाते? भाई जैसे सर्दियों में ये सोच नगर पालिका से लकड़ी वकड़ी भी यहाँ पे चारों तरफ अलाव जलते रहते थे हर बार, लेकिन इस बार कुछ अलाव की कमी भी दिखाई दी है, सर्दी चूंकि अभी और भी बढ़ गई है। तो हमारा तो ये मानना है कि भाई जो चौराहे हैं मेन उन पे कम से कम अलाव की व्यवस्था बनाएं ताकि जो बाहर के लोग आते हैं तो उनको आराम, सर्दी से आराम मिले। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील महाजन, जो कि नगर पालिका के पिछले 2014 के चुनाव में दूसरे पायदान पर रहे थे और इन्हें 4700 वोट मिले थे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। आइए उनसे जानते हैं कि जो नगर पालिका के पिछले पांच साल का विकास कार्य है उन विकास कार्यों को लेकर वो कितने सहमत हैं। सुनील जी, पांच साल में जो विकास कार्य हुए नगर पालिका के, क्या आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, और अपनी अभिलाषा तिवारी जी ने भी अच्छा काम किया, कोई शक नहीं है, और सबसे माननीय विधायक जी सबसे विधायक बने हुए हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से प्रयास किया है नगर को संवारने का, देखने का, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी फिल्मी, जो ये हमारे यहाँ का मैच हुआ आखिरी फाइनल, अभी तक इतनी फिल्मी हस्तियाँ आती थी तो उल्टा अवल लोगों को पैसा देना पड़ता था उनको, लेकिन वो इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि किसी मंत्री को लाए, वो 1 करोड़ रुपए उन्होंने दिया स्टेडियम के लिए, 50 लाख रुपए नगर के लिए दिए है। ये बहुत ही अच्छा काम है, अच्छी पहल है विधायक जी की, और विधायक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष का जो 4 साल का, 1 साल का कार्यकाल छोड़ दीजिए आप, जो 1 साल से कांग्रेस की सरकार है उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो कितने विकास कार्य है, या कुछ ऐसे कार्य बताइए जो इन 5 सालों में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा न किए गए हों? ना किए गए हुओं के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है, बाकी जो उन्होंने जनता के लिए किया है बहुत ही अच्छा है, उनका कार्यकाल सही रहा, जैसा कि आदमी देख रहा है कि मतलब उन्होंने प्रवेश द्वार के लिए भी उन्होंने अभी तैयार करवाए हैं, मुक्ति धाम में भी उन्होंने अच्छा काम कराया है, विधायक जी भी साथ में ही दोनों लोगों ने अच्छा कर रहे हैं काम, और CMO साहब जो अभी हैं यहाँ के नया, उन्होंने भी बहुत अच्छा तरीके से मतलब उन्होंने दिखाया है कि उनमें करने के लिए हम आदमी को बहुत अच्छे से मतलब उनके लिए बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने नगर के लिए बहुत ही अच्छे पहल किए, कचरे के लिए घर घर गाड़ियां भेजना, बहुत ही मतलब कई काम उन्होंने बहुत अच्छे, जैसे CCTV लगवाए नगर पालिका इस बार मेले में,
और सीएमओ साहब भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे, पिछले पांच साल में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका ने क्या कैसा रुख रहा, क्या जनता संतुष्ट सफाई कार्य को लेकर या नहीं है? जनता तो संतुष्ट नहीं है सफाई को लेकर, क्योंकि सफाई में तो बहुत ही समस्या है, क्योंकि वो भी हम ही आप करते हैं सफाई की। अव्यवस्था ऐसी होती है कि मान लो हम अपने कचरा निकाला, नगर पालिका दे रही है वाहन दे रही है, फिर भी नहीं डालते हैं। मान लो बाहर ही निकाला, पन्नी में डाला, नाली में फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। अब हमारे दरवाजे पे ही देखिए आप कि हम लोग मतलब कह कह के थक गए, लेकिन वो कचरा नहीं हटा। कई बार हम लोगों ने शिकायत की, कई बार यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी कहा, लेकिन वो उसका कोई भी निराधार नहीं हुआ। आज भी जहाँ के तहाँ है, बाहर के जैसा कचरा पहले डलता था वैसे ही आज डलता है। तो ये थे हमारे साथ सुनील महाजन, जो नगर पालिका में 2014 के चुनाव में द्वितीय पायदान पर थे। कहीं ना कहीं विकास कार्यों की तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह निशान भी खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके सवालों के, जनता के सवालों के जवाब लेंगे हम नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा शिवहरे से। जनता के तमाम आरोपों के बाद हम पहुंच चुके हैं नवा नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती अभिलाषा शिवहरे के पास, और आइए जानते हैं कि जनता ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने किस हद तक सही है और उनके विकास कार्य क्या रहे पांच साल के कार्यकाल में, वो भी हम जानेंगे। अभिलाषा जी, सबसे पहले तो पिछले पांच साल में आपके क्या क्या विकास कार्य रहे? मैंने पिछले पांच वर्षों में विकास कार्य करने का भरकस प्रयास किया है। इन विकास कार्यों में मुख्य है हमारा पेयजल योजना, जो संकट की बुंदेलखंड सूखे की मार झेल रहा था, उसमें हम लोगों ने अपनी पेयजल योजना को विशेष महत्व दिया। उसमें टंकियां बनवाई गई हैंगी और प्लांट लगवाया गया है गरौली में, उसके तहत दसान नदी पे बैराज का भी निर्माण किया गया हैगा। और ऐसे कई ऐसे विकास कार्य हैं जो नगर में किए गए हैं, मुख्यतः सफाई को स्वच्छता को लेकर टेंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया गया, जिसमें कूड़े को रिसाइकिलिंग कर उसका अन्य डिवाइडर का निर्माण किया गया है हमारे कार्यकाल में। और मेन है हमारा अच्छा मुक्तिधाम, जो एक सुव्यवस्थित और भव्य मुक्तिधाम बन के तैयार होगा, जिसमें पेवर्स लगाए गए, चबूतरे लगाए गए और 1 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई गई। पेयजल में भी हम लोगों ने शासन की मुख्यमंत्री पेयजल योजना में हम लोगों ने 4.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति कर उसकी शासन की विशेष निधि हम लोग निधि स्वीकृत कराई गई थी। इसके तहत मछली मंडी का निर्माण किया गया है और स्टेडियम आप देख रहे हैं नगर का, स्टेडियम में एक भव्य स्टेडियम आज आसपास के क्षेत्रों में नजर आता है। उधर पर फेंसिंग करी गई, लाइट व्यवस्था करी गई, विधायक निधि से शेड और कुर्सियों का निर्माण किया गया, सांसद निधि से दर्शक दीर्घा, एक कम्युनिटी हॉल का भी हमारे नगर में निर्माण हुआ है हमारे कार्यकाल में, और नवोदय विद्यालय में अटल सभागृह का भी निर्माण हुआ है। और चारों तरफ हर वार्डों में, एक से लेकर 200 वार्डों में, प्रत्येक वार्डों में सीसी नाली हर चीज, मतलब एक कोने तक हर क्षेत्र तक विकास का मैंने पूरा प्रयास किया है। और कई ऐसे विकास कार्य हैं जैसे मछली मंडी का निर्माण हुआ है, वर्तमान में जो हमारी सोच थी भव्य दरवाजे, एक सुव्यवस्थित दरवाजे अच्छे बनाए जा रहे हैं महाराज के गेट के तर्ज पर बनाए जाएंगे और छकी नगरी के तर्ज पर। और ऐसे अभी सौंदर्यीकरण को लेकर चौराहों पे भी हम लोगों ने फोकस किया है कि चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा और पास हो चुके हैं। फुटपाथ का निर्माण आप देख रहे हैं, वर्तमान में कई जगह फुटपाथ का निर्माण चल रहा है और फुटपाथों का भी निर्माण किया जाएगा। और ऐसे कई कार्य हैं जिनका हम लोगों ने प्रयास किया है, और लेकिन अपने कार्यकाल में तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य हैं। और कई कार्य ऐसे भी हैं जैसे बाल्मीकि चबूतरे में, चबूतरों का भी उधर पे चबूतरा था तो शेड का निर्माण किया गया, रेलिंग का निर्माण किया गया हैगा, लाइटों की पोल लगाए गए हैं नगर पालिका के माध्यम से, और पूरा प्रयास किया गया है विकास का ज्यादा से। लेकिन अभिलाषा जी, जैसा से नौकरी जो जनता का कहना है, विकास कार्य की तो तारीफ कर रहे हैं आपके, लेकिन कहीं कहीं सफाई को लेकर उनमें रोष व्याप्त है, लाइट को लेकर रोष व्याप्त है। गल्ला मंडी की हम विशेष तौर पर बात करेंगे, जहां पर सुअरों का आतंक है, वहां पर गंदगी का अंबार है, लोगों में आपके कार्यकाल को लेकर संतोषजनक व्यवहार नहीं है, तो ऐसा क्यों, क्या कमियां नजर आती हैं? देखिए, लाइट को, सफाई को लेकर हमने भरकस प्रयास किया है, हर जगह पोल लगाए गए, लाइटें लगाई गई, स्ट्रीट लाइट भी आप देख रहे हैं कि जगह जगह उसका बड़े बड़े खंभे लगाकर सौंदर्यीकरण किया गया है। और सफाई के लिए भी देखिए, डोर टू डोर हम लोगों ने कचरा कलेक्शन चालू किया, नई टाटा टिपर खरीदी, जेसीबी मशीन भी खरीद हो गई है, क्रय हो गई है, और इसके तरफ प्रयास तो बहुत किया है, लेकिन आप हो सकता है कि आपकी जनता से जैसी मुलाकात हुई हो और प्रयास करने के बावजूद भी जनता संतुष्ट है या नहीं, आप ही जान सकते, मुझे तो
बीत गया है, डिवाइडर जो है वो जो का तो पड़ा हुआ है। डिवाइडर की बात यह है, नौगांव के आपके मैनिफेस्टो में चौराहों के सौंदर्यकरण की बात थी, वो भी कहीं मतलब अधूरे पड़े हैं, तो इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए चौराहे का सौंदर्यीकरण स्टार्ट हो गया, आपने देखा होगा तहसील चौराहे पर उसका काम प्रारंभ हो गया है और अब धीरे धीरे और हर चौराहा उसमें पास हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे अब आगे अधिकारियों के द्वारा कार्य लगाए जाएंगे और चौराहे के सौंदर्यीकरण का विशेष प्रयास हुआ है। और क्या कहा, डिवाइडर के लिए पहला फर्स्ट फेज का डिवाइडर कंप्लीट हो, मैं इसके लिए अपनी मानती हूँ कि थोड़ा सा लेट लतीफ है या अधिकारियों या ठेकेदार के द्वारा, हम लोगों ने कई बार नोटिस भी दिया है उनको, कई बार ऊपर भोपाल तक हम लोगों ने इसकी जांच भेजी है कि जी डिवाइडर का हुआ है और उन्होंने अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है लेकिन डिवाइडर, लेकिन अब जाके एक सुव्यवस्थित डिवाइडर तैयार हो गया है और इसके लिए मैं पहले भी क्षमा मांग चुकी हूँ कि सेकंड डिवाइडर की मेरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई है। तो ये थी हमारे साथ नौगांव नगर पालिका की अध्यक्ष अभिलाषा शिवहरे, जिन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं लेकिन साथ ही जनता के जो असंतोष जनता नौगांव की उनके सवालों के जवाब भी दिए हैं। फिलहाल INH के निगम की नब्ज में इतना ही, अगले एपिसोड में किसी नए नगर के साथ आपको रूबरू करेंगे, तब तक के लिए मैं कपिल मिश्रा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर सिर्फ वो नहीं जो